और सरपंच साहब की तरफ से हमेशा निःशुल्क रहती है। मंथली का 1.5 लाख रुपए का खर्चा आता है और सरपंच साहब अपनी जेब से लगाते हैं, सरपंच साहब अपनी जेब से लगाते हैं। सरपंच द्वारा संचालित ये निःशुल्क डिफेंस एकेडमी ये पहली बार है, जो गत 3 महीने पहले ये शुरू की थी। शानदार इस कश्मीर के टुकड़े में प्रतियोगिता चल रही है संतोड़ा खुर्द के अंदर। एक बार भाई सरपंच साहब के लिए जोरदार तालियां बजाओ भाई, जहां हो वही तालियां बजाओ सरपंच साहब के लिए। बोलिए भारत माता की। आज आर्मी और डिफेंस लेवल के बच्चों को तैयार करके, अब जवान तैयार करके और देश की सेवाओं के लिए भेज रहे हैं, बड़ा अपने के लिए गर्व है। और ऐसे है ही लोगों को प्रेरणा लेनी चाहिए, जिस प्रकार उमाराम जी सरपंच साहब और राजेंद्र जी चौधरी साहब जो कार्य कर रहे हैं, तो उनसे सब लोग प्रेरणा लें। और हर ब्लॉक, हर स्टेट के अंदर, हर जिले के अंदर, हर तहसील के अंदर ये लोग कार्य करें, ऐसा बेड़ा उठाएंगे तो जवान हमेशा तैयार होके और हमेशा आर पार की लड़ाई लड़ने की आवश्यकता पड़ेगी, हमारे जवान लड़ने के लिए तैयार रहेंगे। और मैं आपने एक विशेष बात सबानी बता देनी चाहूँगी सोशल मीडिया के जरिए, राजस्थान ऑल राजस्थान के अंदर मैंने ये रिसर्च किया है, जाके देखा है, सब जगह देखा है, सब जगह सुना है, पूरा देखा सिस्टम, ऐसा सरपंच निःशुल्क सेवाएं देने वाला मैंने पहली बार देखा है। पहली बार सरपंच बन जाते हैं, पद रोक देते हैं और विकास के कार्यों में, जनहित के कार्यों में वो काम नहीं करते हैं, पार्टीबाजी में पड़ जाते हैं, वो ठीक नहीं है। मैं उनके लिए ये कह रहा हूँ कि इस तरह इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए, ओमाराम जी से इस तरह के काम कराओ और जनहित के, समाज सेवा के काम कराओ, युवाओं को आगे बढ़ाने का काम कराओ। जब युवा आगे बढ़ेगा, हमारा गाँव आगे बढ़ेगा तो देश आगे बढ़ेगा, बहुत बढ़िया होगा। और इसी तरीके से मैं उम्मीद करता हूँ, अपेक्षा करता हूँ कि संतोड़ा को ओमाराम जी आगे बहुत आगे बढ़ाएंगे। और गांव ग्रामीणों से मैं ये अपील करना चाहता हूँ कि ओमाराम जी का कंधे से कंधा मिला करके सहयोग करें और संतोड़ा के विकास में भागीदार बने। आप तो संतोड़ा गाँव ही है? नहीं सर, हमारा गांव कैरू है। अच्छा, कैरू। कैरू कितनी दूर पड़े संतोड़ा? कैरू अटो 15 किलोमीटर। 15 किलोमीटर है। आप तो विशेष टूर्नामेंट में भाग लेन आया है, आपने पहले ही जानकारी ही? पहले ही जानकारी, मैं तो अटे एक अच्छो काम हो रही हो तो बिन देखने वास्ते आया हूँ। बिल्कुल सही, आप टूर्नामेंट में हो रही है जो सुखा हूँ इंडियन आर्मी वास्ते, सरपंच साहब एक अच्छो काम करिए, बिन सरपंच साहब के काम ने देखने वास्ते आया हूँ, देखने वास्ते आया। और ओम जी बहुत जोरदार काम कर रहा है तो इस बारे में? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत जोरदार काम कर रहा है। और सुनने में आयो एक 8-10 गाँव में फ्री निःशुल्क एक वैन री सुविधा कर रखी है, जबकि दूर दराज बच्चा सुबह जल्दी नहीं आ सके, वो उन्हें लाने और ले जाने की व्यवस्था बिल्कुल सरपंच साहब की तरफ निःशुल्क है। अच्छा, आस पड़ोस सब गाँव ध्यान है? बिल्कुल है। हाँ, और एक लाइब्रेरी सुविधा है वो भी निःशुल्क है गाँव रमाए। गाँव रमाए, बहुत बढ़िया। आप शुभ नाम का है? ओम प्रकाश सारण। ओम प्रकाश जी सारण। और गांव है? कैरू। कैरू गांव है। देखो खूब अलग अलग गाँव वाला लोग आयोड़ा है और सब सरपंचारी तारीफ कर रहा है कि एडो काम हर गांव में हुए। आज मैं आयोड़ो हूँ जोधपुर जिले मैंने त्यूरी तहसील और त्यूरी तहसील में संतोड़ा गाँव। अटे बहुत ज़बरदस्त खेल रो मैदान बनियोड़ो है और टूर्नामेंट चल रही है, बच्चा दौड़ रहा है। और गाँव रे मैंने पहली बार इन टाइप रो माहौल देखियो, तो आप रे गाँव रे मैंने और कहीं कार्यक्रम चल रही है और कितने टेम चल रही है? साहब कार्यक्रम तो हमारे, पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि सरपंच द्वारा निःशुल्क ये जो एकेडमी चल रही है ये लगभग पिछले 3 मंथ से ये चल रही है और हर मंथली टूर्नामेंट करवाते हैं हम। ये तीसरा सेशन था और हर मंथली टूर्नामेंट करवाते, उसमें मंथली का खर्चा लगभग 1.5 लाख रुपये आता है और सरपंच साहब अपनी जेब से लगाते हैं पूरे पैसे। इनके मन में एक ख्याल आया कि जो संतोड़ा के सरपंच है उनका क्या नाम है? ओमाराम जी चौधरी। ओमाराम जी चौधरी, तो आप पूरी जानकारी बताओ नी सरपंच और कितने टाइम कार्यक्रम चल रही है और अब आज जो को प्रोग्राम चल रही हो कहीं कार्यक्रम चल रही है? वो कार्यक्रम में आर्मी भर्ती, आगामी आर्मी भर्ती ने देखते हुए मन में विचार आयो कि एक मंथली पहली एक टूर्नामेंट करवाई दो बढ़िया, ताकि अलग अलग जिले का बच्चा आवे और बढ़िया भाग ले, मन पतो लागे कि भाई अब कितना पानी के मायने हाँ, कितना बारे हाँ और कितनी मेहनत और करनी पड़े। आप शुभ नाम का है? मेरा नाम राजेंद्र चौधरी है। राजेंद्र जी चौधरी, और आटे आपकी कहीं सेवाएं रहे? साहब हमारी सेवाएं यहाँ रहे, मैं फिजिकल कोच हूँ। अच्छा, और मोटिवेशनल कोच भी हूँ और फिजिकल कोच भी हूँ। और इनकी जो यहाँ की पूरी पूरी जिम्मेदारी सरपंच साहब ने मेरे को दे रखी है, यहाँ बच्चों को सुबह शाम दोनों टाइम हम रनिंग करवाते हैं और अच्छा मोटिवेट करते हैं। हमारा एक ही उद्देश्य है शिक्षा के क्षेत्र में और खेलकूद के क्षेत्र में और आगे बढ़ाना, युवाओं को आगे बढ़ाना। और आपा साथ है संतोड़ा गाँवरा सरपंच ओम जी चौधरी, आपा साथ है। सरपंच साहब बहुत जोरदार काम हो रही है आप गाँवरा मैंने, तो आप किकर विचार आया कि इन टाइपों काम करा जो को एक समाज मैंने अलग संदेश जावे? समाज ने मायने अलग संदेश की बात है। सर्वप्रथम आपने बताऊँ पहली के शिक्षा रहे क्षेत्र मायने, मारो गांव जोधपुर बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, सिर्फ मात्र 35 किलोमीटर ही है, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र मायने काफ़ी हद तक मेहनत करने की ज़रूरत है। पिछला 4-5 साल हूँ और भी है, और जब 5-7 साल करीब हो गया
शिक्षा क्षेत्र में एक्टिव हो, चाहे स्कूल में कोई प्रोग्राम हो और भी कोई सामाजिक कोई प्रोग्राम हो। आज करीब 2 साल पहले पूरे ग्राम पंचायत लोग मिलन सरपंच बनाया, फिर उन बाद में हमारी जिम्मेदारी और भी ज़्यादा बढ़ गई। तो विशेष तौर युवाओं की डिमांड ही के खेल मैदान बनाया जाए, तो हमारे स्तर में तो खेल मैदान बनवाया, फिर उन बाद में मैंने कंटिन्यू कोच भी रखिया और सुबह शाम दोनों टाइम करीब 55-60 स्टूडेंट रेगुलर कंटिन्यू प्रैक्टिस करे। और जबकि महीने मैंने एक बार प्रतियोगिता है, अगले इन महीने रही 28 नवंबर ने मैंने आर्मी री दौड़ है बिनु पहली प्रत्येक महीना माते मेट ग्राम स्तर माते प्रतियोगिता रखा दौड़ रही। इन प्रतियोगिता मैंने पूरे मारवाड़ करीब 7 जिलों रहा स्टूडेंट भाग ले रही है। 7 जिला बहुत बढ़िया। सरपंच साहब आप पूरा नाम कहीं है और आप तो बहुत कम उम्र लाग रही है, कितना बर्री महीने आप गाँव रहा सरपंच बन गा? अब हमारी उम्र 30 साल है, उमर राम चौधरी नाम है। 28 साल की उम्र मैंने पूरे गाँव वाला मिल पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी, हमारे वास्ते बड़े सौभाग्य की बात है। बहुत बढ़िया। और ओम जी चौधरी देखो गाँव रहा सरपंच है और आप देख रहे हो टूर्नामेंट चल रही है बार, और साथ है ओमा राम जी देवासी जगह छात्र नेता भी है। और ओम जी आप रे नाम राशि है ओम जी चौधरी जगह इस संतोड़ा गाँव रहा सरपंच है और बहुत जोरदार काम कर रहा है, तुम्हारे बारे में आपका कहीं विचार है? जो ओमा राम जी सरपंच साहब और राजेंद्र जी चौधरी साहब ने जो बेड़ा उठाया हमारे युवाओं के लिए, वो हमारे लिए सौभाग्य की बात है। इन जैसे की जो से सोच है युवाओं के प्रति, आज आर्मी और डिफेंस लेवल के बच्चों को तैयार करके, अब जवान तैयार करके और देश की सेवाओं के लिए भेज रहे हैं, बड़ा अपने के लिए गर्व है। और ऐसे है ही लोगों को प्रेरणा लेनी चाहिए, जिस प्रकार उमा राम जी सरपंच साहब और राजेंद्र जी चौधरी साहब जो कार्य कर रहे हैं, तो उनसे सब लोग प्रेरणा ले और हर ब्लॉक हर स्टेट के अंदर हर जिले के अंदर हर तहसील के अंदर ये लोग कार्य करें, ऐसा बेड़ा उठाएंगे तो जवान हमेशा तैयार होके और हमेशा आर पार की लड़ाई लड़ने की आवश्यकता पड़ेगी, हमारे जवान लड़ने के लिए तैयार रहेंगे। बहुत सुंदर देखो ओम जी देवासी कितनी सुंदर बात कह रही है। और आबार वीडियो आप देख रहे हो, मैं आयोड़ो हूँ संतोड़ा गांव जो को जोधपुर जिले महीने है और आटा बार टूर्नामेंट चल रही है, बहुत सुंदर बच्चा की तैयारी चल रही है। और मैं आपने एक विशेष बात सबानी बता देनी चाहूँगी सोशल मीडिया के जरिए, राजस्थान ऑल राजस्थान के अंदर मैंने ये रिसर्च किया है, जाके देखा है, सब जगह सुना है, पूरा देखा सिस्टम, ऐसा सरपंच निःशुल्क सेवाएं देने वाला मैंने पहली बार देखा है साहब, पहली बार देखा है, पूरा रिसर्च किया है। और अब देखो गाँव में टूर्नामेंट चल रही है और बच्चा ने विशेष खेल में जोर दे रही है। हाँ साहब, कि बच्चा खेल में आगे आई और शिक्षित हुई तो अपने आप गांव आगे बढ़ी। बिल्कुल बिल्कुल साहब, हमारा उद्देश्य है शिक्षा के क्षेत्र में और खेलकूद के क्षेत्र में बच्चों को आगे बढ़ाना है, आगे बढ़ाना मेन चीज है सर। भारत गाँव रहा सरपंच साहब खूब बढ़िया काम कर रहा है, तो आपका कहीं विचार है, आप शुभ नाम कहीं है? हमारा नाम डूंगर सिंह राठौड़ है और सरपंच साहब पढ़ाई करता करता मेडिकल लाइन में आया और मैं आज 10 साल पहला जोधपुर में बैठा बैठा आपस में मेडिकल में बातचीत करी थी, मैं वहाँ पर गाँव रे विकास रे वास्ते सरपंच चुनो, तो अगर कोई पहला निरक्षर सरपंच 2-4 बनिया था तो कोई कोई काम नहीं कर सकिया, जब मैं कहूँ कोई सरपंच आप चुनो जो कोई युवा हुए तो अपर गाँव रो विकास हो सके। तो इन चुनाव पहला चुनाव मैं लड़ियो था, मात्र 17 वोटों हमारी पराजय हो गई थी, पर मैं युवाओं की टीम मजबूत बनाई और युवाओं ज़्यादा से ज़्यादा संपर्क कर और ओम जी चौधरी ने खड़ा करिया, नया चेहरा होता और पढ़ाई लिखाई में ठीक है, जगह हिसाब इन चुनाव लड़ाई और 1135 वोटों में चुनाव जीत गया। बहुत बड़ी जीत दर्ज करी और उन पची यो लगन काम करियो, आप समय मेडिकल लेनो ज़्यादा पंचायत दे और शमशान की भूमि कटावनी हुए, खेल मैदान कटावनो हुए, स्कूल में निर्माण कार्य, डामर रोड और लाइब्रेरी री व्यवस्था, हॉस्पिटल में हॉल री व्यवस्था, सब आप बढ़ चढ़ भाग ले और काम करा रहा है, यहाँ वास्ते मैं आभारी हूँ। आप किसे गाँव पधारिया हो? भणियाना गांव से। भणियाना गांव बहुत जोरदार देखो ये गांव में टूर्नामेंट चल रही है और सरपंच द्वारा बिल्कुल निःशुल्क और पूरा कार्यक्रम चल रही है, तो इस बारे में भी आपका कई विचार है और शिक्षा कितनी जरूरी है समाज में, क्योंकि आप तो बुजुर्ग आदमी हो और आपने घनी ठोकरा लागी उड़ी है और आप एक समाज ने सही संदेश भी दे सको। बिल्कुल साहब, सरपंच साहब को हम तहे दिल से धन्यवाद देना चाहेंगे। सरपंच साहब ने जो काम किया है बहुत ही सराहनीय कार्य है और जिस तरह से मतलब यहाँ इन्होंने युवाओं के भविष्य को लेकर के उनको भविष्य को संवारने के लिए जो ये काम किया है, इसकी जितनी जो है प्रशंसा की जाए वो कम है, बहुत बढ़िया, ऐसा कहीं भी देखने को नहीं मिलता है। और ये हमने इनका जो है विज्ञापन सोशल मीडिया पर देखा तो हमारे वहाँ जैसलमेर ज़िले से भी ये प्रतिभागी भाग लेने के लिए आए, मैं भी उनके साथ में आया हूँ, यहाँ ये ग्राउंड देख करके दिल
बाग बाग हो गया, खुश हो गया। बहुत ही अच्छा काम किया इन्होंने, मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। ऐसा करना चाहिए, सरपंच बन जाते हैं पद रोक देते हैं और विकास के कार्यों में, जनहित के कार्यों में वो काम नहीं करते हैं, पार्टीबाजी में पड़ जाते हैं, वो ठीक नहीं है। मैं उनके लिए ये कह रहा हूँ कि इस तरह इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए, ओमाराम जी से, इस तरह के काम कराओ और जनहित के, समाज सेवा के काम कराओ, युवाओं के, युवाओं को आगे बढ़ाने का काम कराओ। जब युवा आगे बढ़ेगा, हमारा गांव आगे बढ़ेगा, तो देश आगे बढ़ेगा, बहुत बढ़िया होगा। इस तरह से इन काम करेंगे सभी तो बहुत अच्छी उन्नति की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ नाम कहिए। मेरा नाम सवाई सिंह है। सवाई सिंह जी, और गांव है आप भणियाणा, जैसलमेर जिले, भणियाणा जिला जैसलमेर, खरताराम जी चौधरी साहब का गांव भणियाणा, आपने सुना होगा। उन्होंने भणियाणा का खूब विकास कराया, पूरा अपना जीवन होम दिया भणियाणा के विकास के लिए। आज वो भणियाणा तहसील मुख्यालय है, उपखंड मुख्यालय है और विकास में जिले में अग्रणीय है। कॉलेज वगैरह सब उनकी मेहनत से वहाँ हुआ है विकास। और इसी तरीके से मैं उम्मीद करता हूं, अपेक्षा करता हूं कि संतोड़ा को ओमाराम जी आगे, बहुत आगे बढ़ाएंगे। और गांव ग्रामीणों से मैं ये अपील करना चाहता हूं कि ओमाराम जी का कंधे से कंधा मिलाकर के सहयोग करें और संतोड़ा के विकास में भागीदार बने। धन्यवाद। धन्यवाद। शानदार, इस कश्मीर के टुकड़े में प्रतियोगिता चल रही है संतोड़ा खुर्द के अंदर। एक बार भाई सरपंच साहब के लिए जोरदार तालियां बजाओ भाई, जहां हो वही तालियां बजाओ सरपंच साहब के लिए। बोलिए भारत माता की।